नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा प्री ऑरिकुलर साइनस या पिट के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि कान के सामने एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। ये एक बर्ड डिफेक्ट होता है और बहुत कॉमन बर्ड डिफेक्ट है, और इसमें होता ये कान के डेवलपमेंट में थोड़ी गड़बड़ होने के कारण हो जाता है, लेकिन इसमें सुनाई देने की क्षमता में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये छेद देखने में तो छोटा सा छेद दिखता है, लेकिन ये अंदर उसके नीचे एक सुरंग जैसी टनल या साइनस बना हुआ होता है, जो कि कान के आगे पूरा फैला होता है। तो ज्यादातर लोगों में इसमें कोई समस्या नहीं आती, जिंदगी भर ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन किसी किसी में इस टनल में ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके अंदर उसके सिक्रीशन या लिक्विड जमा होने लगता है, और इसको फिर प्री ऑरिकुलर सिस्ट कहते हैं। ये एक स्वेलिंग के रूप में दिखता है, और अगर इसमें इंफेक्शन हो जाए तो वो फिर पस बन जाता है और वो स्किन से फूट के बाहर आ जाता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी सफाई करनी पड़ती है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए समस्या ठीक हो जाती है और ये दोबारा होता है। तो अगर ये एक बार इन्फेक्शन हो जाए प्री ऑरिकुलर साइनस में, तो ये बार बार होता रहता है, और उसको दवाओं के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, उसको सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। और इसकी सर्जरी ज्यादातर एनेस्थीसिया में की जाती है, क्योंकि ये नेटवर्क धीरे धीरे जो टनल्स हैं या सुरंग जैसी चीजें हैं ये बढ़ जाती हैं, तो एनेस्थीसिया में किया जाता है, एज ए डे केयर हो जाता है। और इसमें कान के आगे उस छोटे से छेद को और स्कार्ड स्किन जहां से बार बार पस आता रहता है उसको, और स्किन के नीचे बने हुए पूरे ये चूहे के बिल जैसे नेटवर्क को और सुरंगों को, ये सब निकाल दिए जाते हैं, और फिर स्किन को टांकों द्वारा बंद कर दिया जाता है। कोई घाव शेष नहीं रहता, वो पूरी तरह बंद हो जाता है, और उसके बाद ये हील हो जाता है और ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस सर्जरी में एक चीज ध्यान रखने की है कि ये सर्जरी किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही करवानी चाहिए, क्योंकि अगर इस नेटवर्क का या इन सुरंगों का कुछ भी हिस्सा छूट जाएगा तो ये समस्या फिर से शुरू हो जाएगी। तो अक्सर इस काम में मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो तभी पूरी तरह इनका सफाया किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।